नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं एमपीसीटी 24 न्यूज़ एक्सप्रेस। बढ़ते हैं आज की नई और ताजा खबरों की ओर। आदिवासी समाज ने मनाया बलिदान दिवस। समूचे मध्य प्रदेश में आज का दिन आदिवासी समाज के लिए बलिदान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसे लेकर बैहर विधानसभा क्षेत्र में भी बैहर क्षेत्र के समूचे आदिवासियों द्वारा आज उकवा में झांकियों के साथ नाचते गाते और नारे लगाकर नगर भ्रमण करते हुए आदिवासियों के राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह के बारे में बताया गया, तो वहीं उनके द्वारा देश के लिए दिए गए बलिदान को भी याद किया गया। आपको बता दें कि बालाघाट जिले के बैहर क्षेत्र में आदिवासियों की जनसंख्या सबसे अधिक है, इसी वजह से यहां विधानसभा की सीट भी आदिवासी रखी गई है। तो वहीं इतिहास के अनुसार जबलपुर, जो पहले जब्बालपुर कहा जाता था, वहां तैनात अंग्रेजों ने तथा अंग्रेजों की 52वीं रेजिमेंट का कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल क्लर्क बड़ा अत्याचारी था। उसने छोटे छोटे राजाओं और आम जनताओं को बहुत परेशान रखा था। चारों ओर अनाचार और व्याभिचार का बोलबाला था। जनता में हाहाकार मचा हुआ था। महाराजा शंकर शाह ने जनता और जमींदारों को साथ लेकर क्लर्क के अत्याचारों को खत्म करने के लिए संघर्ष का ऐलान किया। तो वहीं शंकर शाह गोंडवाना साम्राज्य के राजा भी थे, जिन्हें अंग्रेजों ने अपने पुत्र सहित 18 सितंबर 1857 को विप्लव भड़काने के अपराध में तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया था। ये दोनों गोंड समाज के मरावी वंश से हैं। उनके पुत्र का नाम कुंवर रघुनाथ शाह था। वहीं इन्हीं की याद में आज का दिन आदिवासियों द्वारा बलिदान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। एमपीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस उकवा से अशोक कामरे के साथ रिपोर्टर निखिल राज की रिपोर्ट। शंकर शाह रघुनाथ शाह ना, शंकर शाह रघुनाथ शाह ना, शंकर शाह रघुनाथ शाह ना, फिर से मुंडा ना, फिर से मुंडा ना।